कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने और राहुल गांधी और कमलनाथ पर गोली चलाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब पुलिस प्रशासन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। वहीं अब इस पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कमलनाथ को मिली धमकी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यात्रा को और राहुल गांधी को सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के मामले को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं, ये पुलिस को देखना है, पूरी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के हाथ में है। कमलनाथ ने कहा इस यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है और उन्हें दिख रहा है कि यात्रा को कितनी सफलता मिल रही है, इसलिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर, बीजेपी हर तरह प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। वहीं इस धमकी भरी चिट्ठी को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि मिठाई की दुकान पर यह पत्र मिला है और जो हाथ से लिखा गया है यह किसी आम व्यक्ति का भी काम हो सकता है, यह हो सकता है कि खुद के प्रचार प्रसार के लिए यह कांग्रेसियों की साजिश हो। उन्होंने कहा राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मेहमान हैं, उन्हें पूरी सिक्योरिटी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस तरह की चीजें दोबारा ना हो इसकी भी पूरी जाँच की जा रही है। पत्र मिला है, वो बताया गया किसी मिठाई की दुकान पर डाला गया है और हाथ का लिखा हुआ पत्र है, किसी आम आदमी द्वारा इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है, हो सकता है किसी कांग्रेसी की साजिश भी इसमें हो प्रचार प्रसार पाने की दृष्टि से। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को पूरी सिक्योरिटी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में हमारे मेहमान हैं वो, और इस प्रकार के प्रोपेगंडा नहीं होना चाहिए, इसकी जांच भी हो रही है, गृह विभाग इसकी कड़ाई से जांच भी कर रहा है। धमकी भरे पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि यह पूरी तरह एक पब्लिसिटी स्टंट है, मध्य प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस प्रकार की घटना कोई यहां नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, राहुल गांधी की सुरक्षा हो, कमलनाथ की सुरक्षा हो या किसी और की सुरक्षा हो, सभी सुरक्षित हैं। यह पत्र मुझे स्टंट दिखाई देता है, जिस प्रकार से लोग यात्रा को इग्नोर कर रहे हैं और यात्रा जिस प्रकार से असफलता की ओर जा रही है, इसलिए अब कांग्रेस को लगता है कि स्टंट कैसे बनाया जाए जिससे मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच पहुंचे। शर्मा ने कहा पत्र के पीछे कोई साजिश नजर आती है। मध्य प्रदेश सुरक्षित है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसलिए न इस प्रकार की कोई घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा से लेकर चाहे माननीय कमलनाथ जी हो या और भी कोई लोग हो, सबकी सुरक्षा मध्य प्रदेश में सब सुरक्षित है। ये पत्र मुझे एक स्टंट दिखाई देता है कि जिसके माध्यम से यात्रा में जिस प्रकार से लोग आज यात्रा को इग्नोर कर रहे हैं, यात्रा जिस प्रकार से असफलता की ओर जा रही है, तो उनको लगता है कि स्टंट कैसे बनाया जाए जिससे मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों में हम पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा इस पत्र के पीछे मुझे कोई साजिश दिखाई देती है। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धमकी भरी चिट्ठी पर कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक की बात जो सामने आ रही है, ऐसी स्थितियां पैदा खुद कांग्रेस ने की है। इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए वहां कौन गया था, क्यों कमलनाथ ने वहां जाकर लोगों के जख्मों को हरा किया, सिख सत्संग में जाकर क्यों इस तरह का वातावरण निर्माण किया, छिंदवाड़ा में जाकर मंदिर और मूर्ति बनवाई और टुकड़े टुकड़े कर दिए, गजनवी और गौरी की तरह ऐसा क्यों कर रहे हो, यह भी राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ ने ऐसा क्यों किया। मिश्रा ने कहा कमलनाथ हर जगह जाकर आवेश की स्थिति पैदा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा हो, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूज जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही है? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है,
दस दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? ये भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनवी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।